नमस्कार, मैं दया बत्की। आप सबका स्वागत है बाम्बू नर्सरी डोंगरोली के हमारे यूट्यूब चैनल की सीरीज़ में। आज हम लोग थोड़ी से पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, जैसे बाम्बू का उपयोग पर्यावरण में कैसे हो सकता है, कैसे होता है। तो अभी आपने सुना रहेगा, कुछ सालों से महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं। तो लैंडस्लाइड्स में आपने ये भी सुना रहेगा कि रूट सिस्टम्स जो रहते हैं सब पेड़ पौधों के, वो मिट्टी पकड़ के रहते हैं। तो अभी आज हम लोग इस बांस के बैम्बू के बारे में जानेंगे। ये मेलकोना बैसिफेरा नाम का बैम्बू है, और अगर आप इसका रूट सिस्टम देखो तो ये बोल्डर्स को भी पकड़ के रखता है। बाकी सब बांस जो हम कहते हैं कि सॉइल इरोजन के लिए हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि बांस का जो रूट सिस्टम है उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम रहता है, तो इस ये वाला जो बैम्बू है ये एम्फीपोडियल बैम्बू है। इसका जो रूट सिस्टम है ये एम्फीपोडियल रूट सिस्टम है, और ये इसे दूसरा नाम मतलब लॉन्ग नेक बैम्बू भी कहते हैं। तो ये ऐसे काम करता है कि अगर एक बांस यहाँ आए तो उसका रूट आगे जाके दूसरी बांस वहाँ पे उगता है। ऐसे करके करके वो ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। सो इसको रनर बैम्बू भी कहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखो तो हर जगह सॉइल ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे देखो बोल्डर्स भी पकड़े हुए हैं। यहाँ भी एक बोल्डर है, यहाँ भी एक बोल्डर है, ये बाजू भी आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं कंट्रोल हो रहा है, पर ये बोल्डर्स इरोजन भी है वो कंट्रोल होगा, और इससे लैंडस्लाइड्स का जो धोखा रहेगा वो कम होगा। हम लोग आगे जाके और भी बैम्बू रूट सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देखते आगे। दिसंबर के महीने से बाम्बू के जो पत्ते रहते हैं उनकी पतझड़ होना शुरू करते हैं, और वो एक ऐसा लीफ लेटर बन के ज़मीन पे गिरता है। उसका फ़ायदा ऐसे होता है, ज़मीन ज़्यादा तपती नहीं है धूप में, और इसकी वजह से उसका वाटर रिक्वायरमेंट भी बाम्बू का कम हो जाता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने वहाँ का रूट सिस्टम दिखाया, अभी यहाँ पे ये सब लीफ लिटर है जिसका बहुत अच्छा मल्च बना हुआ है। अभी इसके फाइब्रस रूट सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटे हैं ये बैम्बू के रूट्स है, यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो मल्च की वजह से, लीफ लेटर का मल्च होके वो खाद बनता है, और ज़मीन तपती नहीं है, और जो पानी का रिक्वायरमेंट रहता है वो कम होता है, और दूसरी बात ये फाइब्रस रूट सिस्टम का जो विस्तार रहता है वो काफ़ी जगह तक रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है वहाँ पर। अभी हमने देखा कि कैसे रूट सिस्टम सॉइल इरोजन बोल्डर कंट्रोल करके जो सॉइल लैंडस्लाइड के चांसेस है वो कम करती है। पतझड़ होने से नीचे लीफ लेटर बनता है, और उससे ज़मीन तपती नहीं है, पानी का रिक्वायरमेंट कम होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ऐसी है कि बैम्बू ये कंद वर्गीय है, तो वो जो कार्बन रहता है वो अपने कंद में स्टोर करता है। और एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बांस को मतलब बैम्बू को सस्टेनेबल मटेरियल कहा जाता है। तो सस्टेनेबल मटेरियल क्यों कहा जाता है वो अभी देखेंगे हम लोग। वो ऐसे कि अगर आप किसी पेड़ को काटे तो पेड़ को काटने से क्या होता है कि वहाँ पे उसका साइकिल ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ अगर आप बैम्बू में देखो तो बैम्बू में हर साल नए नए शूट्स आते रहते हैं। अभी ये देख सकते हो आप, ये इस साल का शूट है, ये लास्ट ईयर का शूट है, और ये उसके पहले का शूट है। तो ऐसे हर साल उसे नए नए शूट आते रहते हैं, तो इससे पौधा मरता नहीं है, पेड़ मरता नहीं है, और उसका जो साइकिल है वो चालू रहता है। इसकी वजह से उसको सस्टेनेबल प्लांट कहते हैं कि यू आर नॉट ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इकोलॉजी।
हमारे अनाज की खेती में क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत अस्थिरता आने शुरू हो गई है। उस उत्पन्न की कमी को भरने में बैम्बू सक्षम है। बैम्बू एक क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप है। वो अगर इसका अगर एग्जांपल बताए तो 2020 साल में निसर्ग चक्रीवादळ हमारे खेती में आया था, हमारे खेती का बहुत नुकसान करके गया था। उस समय भी कुछ बैम्बू के क्लम्प्स से जो उखड़ के नीचे गिरे थे, पर हमने उसी क्लम्प्स को सीधा किया, ऊपर से छाट दिया वो, और वो सारे के सारे वापस उग गए। दूसरा उदाहरण मतलब अगर आपको दिया जाए तो कहीं फॉरेस्ट फायर अभी आजकल बहुत कॉमन हुआ है वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में अगर फॉरेस्ट फायर आपके बाम्बू को लगे तो उसको सिर्फ पानी देना है, वो अपने नेक्स्ट मॉनसून में वो सर्वाइव होता है और आपको नए शूट्स देता है। पानी की कमी अगर पड़े तो वो सर्वाइव होगा, वो मरेगा नहीं, ऐसे वो क्लाइमेट रेजिलिएंट होता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।